सुबह 6 बजे सुमन उठ जाती है। वह घर की सफाई करती है, नाश्ता बनाती है और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है। उसके बाद वह सास ससुर की देखभाल करती है। मैं हर दिन यही काम करती हूँ, कभी आराम करने का समय ही नहीं मिलता। शांता सुमन से कहती है, सुमन आज बाजार जाना है, तुम जाओगी ना? हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ। सुमन बाजार जाती है और घर के लिए आवश्यक सामान खरीदती है। शाम को सुमन रात का खाना बनाती है। उसके बाद वह बच्चों को पढ़ाती है और उन्हें सुला देती है। सुमन तुम बहुत अच्छी बहू हो, तुमने घर का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। धन्यवाद माँ। रात को सुमन थकान से सो जाती है। सुमन तुम बहुत थक गई हो, तुम आराम करो, मैं घर का काम कर लूंगा। परंतु? कोई परंतु नहीं, तुमने आज बहुत काम किया है, अब आराम करो। ठीक है। अगले दिन सुमन उठती है और घर का काम करने लगती है। काश मुझे कभी आराम करने का समय मिलता। सुमन तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम आराम क्यों नहीं करती? परंतु घर का काम। घर का काम बाद में भी हो जाएगा, तुम पहले आराम करो। ठीक है। सुमन आराम करने के लिए लेट जाती है। सुमन थोड़ी देर आराम करती है, उसके बाद वह उठती है और घर का काम करने लगती है। रवि घर आता है और उसे देखकर पूछता है, सुमन तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम थकी हुई लग रही हो, क्या तुमने आराम किया? हाँ थोड़ा आराम किया। ये तुमने ठीक किया। रवि सुमन से पूछता है कि क्या उसने खाना खाया है। सुमन कहती है कि उसने नहीं खाया है। रवि उसके लिए खाना लाता है। धन्यवाद। सुमन खाना खाती है। उसके बाद रवि उसे घर के काम में मदद करता है। तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगले दिन सुमन और रवि मिलकर घर का काम करते हैं। शांता उन्हें देखकर खुश होती है। तुम दोनों मिलकर घर का काम कर रहे हो, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी माँ, अब हम मिलकर घर का काम करेंगे। सुमन और रवि मिलकर घर का काम करते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और खुश रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पति पत्नी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। घर का काम केवल बहू का काम नहीं है, बल्कि पति का भी काम है। यदि पति पत्नी मिलकर घर का काम करेंगे तो घर में सुख शांति रहेगी। ये कहानी एक बहू के जीवन पर आधारित है। ये कहानी हमें बहुओं के जीवन की कठिनाइयों को समझने में मदद करती है। हमें बहुओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें घर के काम में मदद करनी चाहिए।